हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे एग्ज़ाम यानी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सबसे पहले लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और एक नीचे एक लाल रंग का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। तो आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना, भारत की विदेश मंत्री कौन है हाल ही में अभी? तो दोस्तों, अपना लाल अक्षर से दिख रहा है अपना सबसे पहले विदेश मंत्री कौन है, सुषमा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, भारत अगला फीफा वर्ल्ड कप किस सन में होगा? तो 2022 में होगा दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? 2022 में होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 73 नंबर का प्रश्न है, एक भारतीय जिम्नास्टिक का नाम बताइए। भारतीय जिम्नास्टिक का नाम है दोस्तों दीपा कर्माकर, जो लाल अक्षर अपन दे रखा है, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर जिले के जिला पंचायत सीईओ कौन है? तो इनका नाम है दोस्तों आदित्य सिंह। कौन है? आदित्य सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री का निधन हुआ? तो दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री का निधन हुआ था, मनोहर पारिकर, कुछ ही समय पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे सुंदर ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह इसका राइट आंसर? शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा दोस्तों? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तमिल भाषा में रामायण के रचयिता कौन है? तो कंबन। कौन थे? कंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा करी थी उन्होंने। नेक्स्ट है, शतरंज में खाने होते हैं, कितने खाने हैं शतरंज में? 64। कितने खाने होते हैं? 64। फुटबॉल में कप में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? संतोष ट्रॉफी। कौन से कप में दी जाती है? फुटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? गोदावरी। दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? गोदावरी। चंद्रमा पर पांव रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्म स्ट्रांग। कौन था? नील आर्म स्ट्रांग। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? वाटरमैन। किसने किया था? वाटरमैन। अगला दोस्तों, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। मलेरिया रोग फैलता है दोस्तों, मलेरिया रोग कैसे फैलता है आपको? मादा एनाफिलीज मच्छर। मच्छर से तो होता है लेकिन कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला है, गैम्बिट किस खेल संबंधित शब्द है? एक शब्दावली है ये दोस्तों, शतरंज से। कौन से खेल से? शतरंज से। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? झाड़ू। कौन सा चिन्ह था? झाड़ू। तेलंगाना वर्तमान में किस राज्य से एक अलग राज्य बना हुआ? आंध्र प्रदेश से। कौन से राज्य से बना है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा। कौन सा कहलाता है? जेट्रोफा। अगला है, रेड क्लिक रेखा किस से कहते हैं? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान की रेखा को रेड क्लिक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं इसको? रेड क्लिक। बाघ राज यानी टाइगर राज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टाइगर राज। कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसको कौन सा बोलते हैं दोस्तों? टाइगर राज। नेक्स्ट है, सोयाबीन राज। सोयाबीन भी दोस्तों मध्य प्रदेश को ही कहते हैं, मध्य प्रदेश बहुत सारी सोयाबीन पैदा होती है इसलिए सोयाबीन राज भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये केरल में। कहाँ पे है? केरल में। सबसे प्राचीन श्रृंखला अरावली, सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सा दोस्तों? अरावली। बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? सांची में। कहाँ पे? सांची। चार सिंहों वाला स्तंभ कहाँ पे दोस्तों? सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की एक पुस्तक का नाम बताइए, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।